नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरे अदानी ग्रुप के स्टॉक के बारे में, जहां पे बिल्कुल भी गिरावट थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है। रोज का रोज लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके से कल शाम को न्यूज आती हुई दिखाई दी थी कि अदानी इंटरप्राइजेस ने अपने एफपीओ को वापस ले लिया और जो भी पैसे 20,000 करोड़ रुपए एफपीओ के कंपनी ने जुटाए थे वो सारे पैसे निवेशकों को वापस करेगी। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या नेगेटिव, इसके बारे में हमने बात की थी। पॉजिटिव इस बारे में कि निवेशकों को उसके पैसे वापस मिल गए, लेकिन नेगेटिव कंपनी के लिए डेफिनेटली होगा क्योंकि उसे 20,000 करोड़ जो मिलने वाले थे वो अब नहीं मिलेंगे, जिससे उनका कुछ काम हो सकता था। तो कहने के इसको मार्केट ने नेगेटिव लिया। अदानी इंटरप्राइजेस के स्टॉक अगर आज देख रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पे 26-27% की बड़ी गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया है। कहीं ना कहीं अगर पिछले 2 दिनों में देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट 50% टूट चुका है। कल के दिन भी देखा था हमने 28% की एक बड़ी गिरावट थी, आज भी 26% तक की बड़ी गिरावट देखने मिली। अदानी ग्रीन में 10% का लोअर सर्किट पिछले कई दिनों से चल रहा है। अदानी पोर्ट्स में भी आज बहुत तेज गिरावट थी, निचले लेवल से कुछ संभला लेकिन फिर भी 6.5% गिर के बंद हुआ। अदानी पावर 5% के लोअर सर्किट पे लॉक था, 10% के लोअर सर्किट पे अदानी टोटल गैस का स्टॉक लॉक था। अदानी ट्रांसमिशन के स्टॉक में भी 10% का लोअर सर्किट लगा था जो कि लॉक था। अदानी विल्मर में भी लगभग लगभग 5% के लोअर सर्किट पे स्टॉक दिन भर लॉक रहा। अंबुजा सीमेंट यहाँ पे थोड़ा रिकवर होता हुआ दिखाई दिया, 5.5-6% की तेजी यहाँ पे निचले लेवल से देखने को मिली। लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि अदानी ग्रुप के स्टॉक जो है पूरी तरीके से ब्लड बाथ में जाते हुए दिखाई दिए। पूरी तरीके से जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है पिछले 5-7 दिनों में जिस तरीके से यहाँ पे मार पड़ती हुई दिखाई दी है पूरे ग्रुप के स्टॉक्स को, ऊपरी लेवल से कंपनी की आधी से ज्यादा वैल्यूएशन जो है वो साफ हो चुकी है। तो कहने के बहुत बड़ा डेंट जो है वो पड़ता हुआ दिख रहा है। अब बहुत सारी चीजें जो है, जो ब्रोकरेजेस फर्म है या जो भी है, वो सारे के सारे इस पे कहने के डाउनग्रेड और बहुत सारी चीजों की जो बैंस है वो लगते हुए कहने के दिख रहे हैं। बहुत सारी जांच होने वाली है, ऐसी ऐसी खबरें जो मार्केट में निकल के आ रही है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव माहौल जो है क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे। तो निवेशकों के मन में एक सबसे बड़ा है प्रॉब्लम ये है कि क्या इस स्टॉक में रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रोज लोअर सर्किट लग रहा है। और लोअर सर्किट लगने का मतलब ये होता है कि आप कितना भी चाहें स्टॉक बेचने की कोशिश करें, जब तक सामने कोई बायर नहीं होगा तब तक आपको स्टॉक कोई आपका खरीदेगा नहीं और आपके स्टॉक बिकेंगे नहीं। अब रोज जो स्टॉक 10% के लोअर सर्किट पे खुल रहे हैं, जो दिन भर लोअर सर्किट पे बैठे हुए हैं, उनके पास कौन स्टॉक को खरीद रहा है वो आपको देखने वाली चीज होगी। आप खाली वहां पे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका स्टॉक बिक जाए, वहां कोई आके खरीद ले, अदरवाइज वहां पे ज्यादा कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से अदानी इंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें जो कि निफ्टी का दिग्गज स्टॉक है, और यहाँ पे फिलहाल सर्किट लिमिट जो है 10% की सर्किट पे लॉक नहीं होता, यहाँ पे 20-30-35% तक की भी गिरावट जो है इंट्राडे में हो रही है और ये कहीं ना कहीं मार्केट का मूड बिगाड़ने का काम कर रहा है। तो अदानी इंटरप्राइजेस के स्टॉक अगर हम देख रहे हैं कितनी बुरी तरीके से टूटता हुआ दिख रहा है। तो आप चार्ट्स पे देख सकते हैं, पिछले कुछ ही दिनों से पहले अगर हम देख रहे हैं तो 21 दिसंबर के दिन इसी स्टॉक ने 4190 का हाई लगाया था और आज इस स्टॉक का भाव 1565 रुपये। तो ऊपरी लेवल से देखा है तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस स्टॉक में 60-65% जो वैल्यूएशन है वो झटक दी है। और 2 दिनों में अगर हम देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस स्टॉक ने ऊपरी लेवल से अगर आप देख रहे हैं तो लगभग 50% के आसपास की वैल्यू जो है वो इरोड हो चुकी है। 2980 रुपये जो एफपीओ के एक दिन पहले 31 जनवरी का भाव था 2970 रुपये के आसपास, और आज का भाव 1565 रुपये, और आज के दिन का जो लो लगता हुआ दिखाई दिया था वो 1494 रुपये 75 पैसे का था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बहुत तेज और बहुत तेज वॉल्यूम के साथ आज के दिन गिरावट देखने मिली। 34 मिलियन शेयरों के वॉल्यूम जो है वो देखने को मिले। तो लगातार इस स्टॉक में गिरावट बनी हुई है। अब अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के ट्रेंड पे देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक में जो रैली चालू हुई थी जो कि लगभग जनवरी फरवरी पिछले साल का जो लेवल था जहां से इस स्टॉक में एक रैली की शुरुआत हुई थी, पूरे साल भर में जितनी रैली हुई वो मुश्किल से पिछले 1 महीने के अंदर, और अगर यहाँ पे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की बात करें तो उसकी रिपोर्ट आने के बाद ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हफ्ते भर के अंदर में स्टॉक पूरी तरीके से उस लेवल के आसपास आ गया है। अब यहाँ पे सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सपोर्टिव लेवल है, लेकिन जिस तरीके की न्यूज और जिस तरीके का पैनिक मार्केट में चल रहा है, क्या ये यहाँ पे भी सपोर्ट लेगा या फिर ये 3 डिजिट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये बहुत बड़ी चीज सोचने वाली बात है। क्योंकि 1565 का भाव अभी आता हुआ दिख रहा है, हो सकता है अगर यहाँ पे ये लेवल लगभग 1400-1500 की रेंज जो कि अगर यहाँ पे टिक जाती है, बच जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इस लेवल को इस स्टॉक ने नहीं निकाला और यहाँ पे रुका नहीं और इसके नीचे भी जाने की कोशिश करता है तो फिर हो सकता है आपको यहाँ पे गिरावट और बढ़ती हुई दिखाई दे। फिर आपको हो सकता है 4 डिजिट से नीचे तीसरे डिजिट पे भी अगर स्टॉक 900-1000 की रेंज में जाने की कोशिश करता है तो भी आपको यहाँ पे देखने मिल सकती है।
यहाँ पे दोनों ही साइड के क्वाइट सीन्स जो है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की तेज गिरावट हुई है, आरएसआई पे अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे 12 का लेवल ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अब ये बात अलग है कि यहाँ पे लगातार नेगेटिव न्यूज से सिर्फ सेलिंग होती हुई दिख रही है, किसी भी प्रकार का जो बाउंस बैक है वो एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी होगी। वॉलेटिलिटी जो है यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सेलिंग जो है एक्सट्रीमली हो चुकी है। फ्यूचर्स में भी ये स्टॉक ट्रेड करता है, एफपीओ में जिन्होंने अप्लाई किया था उनको तो फिलहाल उनके पैसे वापस मिल जाएंगे, इसलिए उनके लिए सबसे बेस्ट चीज है कि कम से कम उनके पैसे वहां पे डूबे नहीं। अदरवाइज जिस तरीके का एफपीओ का प्राइस था और आज की जो क्लोजिंग है, एफपीओ के प्राइस से ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा नीचे ये स्टॉक प्राइस आ चुके हैं। 2 दिन में उनको 50% से ज्यादा का नुकसान हो सकता था, तो वो कम से कम बच गया तो वो एक राहत भरी खबर है। लेकिन कंपनी को वो पैसे नहीं मिले, वो एक नेगेटिव खबर भी यहाँ पे कंपनी के लिए बनती हुई दिख रही है, और आज स्टॉक को उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा, ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आज भी स्टॉक यहाँ पे टूटता हुआ दिखाई दिया, तो देखना होगा अब आगे चल के स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। लेकिन आम निवेशकों के लिए सबसे पहली चीज, सीधी सलाह ये है कि इस स्टॉक से दूर रहे, ऊपर नीचे खेलने की कोशिश बिल्कुल ना करें। वॉल्यूम डेफिनेटली होता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे पैनिक बहुत ज्यादा है। अगर आपने यहाँ पे पैसे लगाए, गलती से भी अगर आप फंस गए तो पैसे वापस नहीं आएंगे, और उसके बाद आपका जो पैसा डूबेगा उसकी कोई लिमिट नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं पैसे कमाने से ज्यादा है पैसे बचाना, तो वो चीज को ध्यान दें, और दूसरे भी बाकी अच्छे स्टॉक्स की तरफ ध्यान दें। इन स्टॉक्स की तरफ से दूर रहें तो ज्यादा अच्छा, जब तक यहाँ पे कोई प्रकार की स्टेबिलिटी या क्लेरिफिकेशन कंपनी की तरफ से आ नहीं जाती, या फिर सारी चीजें सही नहीं हो जाती। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।